स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक और नई फ्रेश अपडेट के साथ। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आज तो किन किन जिलों का सितंबर माह का और अगस्त माह का तो पेमेंट आया है, और इसके साथ ही आज की डेट के अंदर तो बहुत सारे तो डिस्ट्रिक्ट का भी तो आज की डेट के अंदर तो पेमेंट आया है। जिस हिसाब से कल भी तो पेमेंट आया है और ये कल भी तो लमसम ये 13 से 14 तो डिस्ट्रिक्ट का ये कल भी पेमेंट आया था और आज भी तो पेमेंट आया था। तो आज की डेट के अंदर तो अजमेर तो डिस्ट्रिक्ट का आज की डेट के अंदर तो ये पेमेंट आ गया। तो अजमेर से मेरे जितने भी तो व्यूवर है उन सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उनका आज के डेट के अंदर तो पता आ गया। इसके बाद आज का ये कोटा तो डिस्ट्रिक्ट का भी सितंबर मंथ का तो पेमेंट आ गया। तो कोटा से भी मुझे बहुत सारे तो कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा तो बता तो कब तक आएगा। तो उन सभी के लिए तो खुशखबरी की बात है, उनका भी तो पेमेंट आ गया। इसके बाद आपके बाड़मेर तो डिस्ट्रिक्ट का भी आज की डेट के अंदर तो पेमेंट आ चुका है। और इसके अलावा आज की डेट के अंदर तो बीकानेर तो डिस्ट्रिक्ट का भी तो पेमेंट आया। इसके अलावा तो भीड़माड़ा या सॉरी इसके अलावा तो भीलवाड़ा तो डिस्ट्रिक्ट का भी आज की डेट के अंदर तो पेमेंट आया है। तो भीलवाड़ा के बाद आपका ये सुरू तो डिस्ट्रिक्ट का भी तो पेमेंट आ चुका है। और इसके अलावा आज की डेट के अंदर ही सीकर तो डिस्ट्रिक्ट का भी तो पेमेंट आया। सीकर का कल भी आया था और आज की डेट के अंदर आया है। इसके अलावा आज की डेट के अंदर ये जोधपुर तो डिस्ट्रिक्ट का भी तो पेमेंट आया। जोधपुर वाला ये कल भी पेमेंट आया तो आज भी तो पेमेंट आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज ये जोधपुर का ये सभी का तो पेमेंट आ गया। इसके अलावा आज तो दौसा तो डिस्ट्रिक्ट का भी आज की डेट के अंदर तो ये पेमेंट आया है। ये दौसा का अलावा आज ये पाली तो डिस्ट्रिक्ट का भी आज की डेट के अंदर ये पेमेंट आया था। तो ये पाली और जोधपुर का ये कल भी आया था और आज की डेट के अंदर ये पेमेंट आया था। तो इसके अलावा हनुमानगढ़ तो डिस्ट्रिक्ट का सितंबर का हनुमानगढ़ का सितंबर और इसके साथ ही अगस्त का ये दोनों का ही तो पेमेंट आ गया है। और इसके अलावा आपका ये 12 तो डिस्ट्रिक्ट का भी तो पेमेंट आज की डेट के अंदर आ गया है। तो दोस्तों आज की अपडेट के साथ ही तो भीलवाड़ा, बीकानेर, बाड़मेर, तो अजमेर, तो कोटा, जोधपुर, तो पाली और ये दौसा, 12 तो डिस्ट्रिक्ट, इन सभी तो डिस्ट्रिक्ट का आज की डेट के अंदर पेमेंट आया है। तो दोस्तों तो बहुत सारे तो डिस्ट्रिक्ट का तो ये सितंबर मंथ का तो पेमेंट आएगा। आप मान के चलिए कि आपका तो 20 से भी 25 तो डिस्ट्रिक्ट का ये सितंबर मंथ का तो पेमेंट आ गया है। अभी जिनका भी अगर ये पेमेंट तो नहीं आया तो उनको अब थोड़ा तो वेट करना होगा। आगामी आपके 3 से 4 दिन के अंदर 100% आपका भी तो पेमेंट आ जाएगा। और ये अगस्त का उम्मीद करता हूँ कि सभी का ही तो पेमेंट आएगा। अगर आपका अगस्त मंथ का अगर तो पेमेंट बकाया है तो आप थोड़ा बहुत ये वेट कीजिए, आपका इसी मंथ अगस्त और ये सितंबर तो दोनों का ही पेमेंट 100% आ जाएगा। और इसके अलावा तो जिनके भी फॉर्म अप्रूव नहीं हुए तो उनको भी तो उनका भी फॉर्म अगले मंथ यानी कि दिसंबर के अंदर अप्रूव हो जाएगा। और जिनके भी अभी तो भत्ते की प्रॉब्लम तो चल रही है, जिनके की स्टॉप हो गया तो उनका अगर रिन्यूअल के कारण है तो जिनका भी भत्ता स्टॉप हुआ उनकी अभी तक ये कोई भी अपडेट नहीं आई। और जिनका भी फॉर्म तो वेरीफाई है उनका अप्रूव वाला तो प्रोसेस अगले मंथ ये शुरू होगा, यानी कि दिसंबर के अंदर आपके तो फरवरी और ये मार्च के फॉर्म अप्रूव होने की 100% उम्मीद है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अपडेट और वीडियो आपको पसंद है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बेरोजगारी भत्ते की तो पल पल की अपडेट्स समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।